खान, कैसे हम सभी लोग उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से हम सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे हैं डोनट्स, और डोनट्स के लिए हमने लिया है मैदा। मैदा तो है हमारे पास, लेकिन ईट्स नहीं है। तो ईट्स मंगाने के बाद ही हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसका डो बनाएंगे और बहुत ही लाजवाब से आपके साथ शेयर करेंगे डोनट्स की रेसिपी। तो बने रहिए आप हमारे साथ, थोड़ी देर की बात है बस, और बनाते हैं बहुत अच्छे अच्छे से डोनट्स जो आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे घर के बना के। घर में बना के खिलाइए, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छे लगेंगे, स्पेशली बच्चों को तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस डोनट्स की तैयारी करते हैं। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, सिर्फ ईट्स नहीं, ईट्स थी हमारे पास वो ख़राब हो गई, मैंने अभी हटा दिए। तो मैं अब जा रही हूँ दूसरी मंगाने के लिए, और इसके बाद बनाऊँगी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि हमने डोनट्स कैसे बनाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने लिया है मैदा डोनट्स बनाने के लिए। तो मैंने 4 कप मैदा लिया है, और मैंने इसे इसको मेजरमेंट किया है, 4 कप मैदा है ये मेरे पास, और 2 अंडे जाएंगे इसमें। 4 कप मैदे में 2 अंडे, यानी 2 कप मैदे में 1 अंडा जाएगा। ठीक है, और इसके लिए लेंगे नमक। तो ये है हमारे पास ईस्ट, और मैंने जो पाउडर शुगर ली है, थोड़ा सा पाउडर शुगर ली, उसको मैंने पाउडर फॉर्म में इसको ग्राइंड कर लिया। और इसके बाद ना नीम गरम मिल्क चाहिए हमें इसको, इसका डो तैयार करने के लिए। और क्या चाहिए? और बटर चाहिए फ्रेंड्स, बटर हमारा मेल्ट हो रहा है, बटर निकाला जरा। और ये मेरा नीम गरम दूध, यानी गुनगुना दूध है, इससे हम बैटर तैयार करेंगे तो बहुत जल्दी फर्मेंट होगा। और ये हमारे पास है बटर, जो कि मैंने बटर लिया है। अब मैं आपको क्वांटिटी से बता देती हूँ, 4 कप मैदा है, तो इसमें बटर जाएगा हमारा, हिसाब से मैंने लिया 100 ग्राम लिया है, तो ये चला जाएगा। ये मेल्टेड आप ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो सॉफ्ट भी चलेगा। एक टिकेट डाली 100 ग्राम। हाँ, साफी से हाथ धोते तो सही रहता, दूसरी चीजें गंदी नहीं होती। और अब लेंगे पाउडर शुगर, जो कि हमारे पास है 6 टेबल स्पून। ठीक है, ये चला जाएगा, रखते हैं। और साल्ट लेंगे 2 टीस्पून के करीब, नहीं सॉरी 2 पिंच साल्ट 2 पिंच साल्ट लेंगे फ्रेंड्स, बस ज्यादा नहीं लेंगे साल्ट। साल्ट अपने हिसाब से कम या ज्यादा, थोड़ा सा ले तो ले, वरना 2 पिंच आप इसमें साल्ट ले सकते, ज्यादा नहीं। और ये हमारे पास ईस्ट है, जो कि हमें लेना है 4 टीस्पून, यानी 2 टेबल स्पून। आप टीस्पून से लें या 4 टेबल स्पून के टेबल से लें, आप ले सकते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ 1 एंड 2, बस इतना लेना है मुझे। 2 अंडे हैं, और इन्हें भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बस अब सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों से। तो हाथों को हम ना बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे, वॉश ना हो तो आप वॉश कर सकते हैं। हाथों को बिल्कुल साफ रखना है हमें कोई भी खाना बनाने से पहले, तो वो तो हम लोग के साफ रहते ही हैं, रहते हैं ना, नहीं रहते हैं? तो हाथ हमारे साफ रहते हैं, एक्सक्यूज मी। तो बिस्मिल्ला करते हैं और इससे हम डो तैयार करते हैं। डो मैं आपको दिखा दूंगी। तो गाइस, बिल्कुल हमें इस तरीके से कर लेना, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा से सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, और इसके बाद हम इसका डो तैयार करेंगे। तो ये हमारे पास दूध है, जो कि नीम गरम है, थोड़ा थोड़ा सा हमें लेना है, और इसका हम डो तैयार करेंगे। तो डो मैंने तैयार कर लिया फ्रेंड्स, और मेरे आप हालत देख सकते हो, पसीने से मैं पूरी भीग चुकी हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ पर। तो ये डो तैयार हो गया है। अब इसे और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। तो कैमरे को नीचे कर दिया जाए, नहीं दिख रहा है, और देखिए मैंने दूध लिया था
ये चाय वाला कप, हाफ कप दूध का इस्तेमाल हुआ और हाफ कप हमारा दूध अभी भी बिल्कुल फ्रेश है। मैंने कोई हाथ वाथ नहीं डाला, बिल्कुल फ्रेश है। आप इसे पी भी सकते हैं, इसकी चाय भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, चाय बना लीजिएगा या पी लीजिएगा। इसको मैं पीने जा रही हूँ। ओके गाइस, तो गाइस इसको बस हाथ से अच्छे से मैश करना है, तभी हमारा ना डोनट सा बहुत अच्छे बने, सॉफ्ट बनते हैं। तो गाइस मैंने बहुत मेहनत करी इसके साथ, तैयार हो गया है। इसे कर देते हैं फिर से हम इस बाउल में दिल बना दें। चलो ये कह रहे हैं दिल बना दो, तो दिल बना देते हैं। क्या बात करते हो, आम बना दे, आम बहुत आसान होता है बनाना। इतनी सी हसी इतना से टुकड़ा चांद का। तो देखिए हमारा डो तैयार हो गया फ्रेंड्स, और इन लोगों ने कहा था इसे हार्ट शेप में बनाओ, तो मैंने हार्ट शेप में तैयार कर लिया, दिख रहा है ना हार्ट शेप में। इन लोगों को भी दिखा दूं, देखो ये हार्ट शेप है, ठीक है। अब मैं इसे रख देती हूँ इस बाउल में, और इसे मैं प्लास्टिक रैप से रैप कर लूँगी, और इसका जस्ट डबल होने तक मैं इसका वेट करूँगी, और फिर जब जस्ट डबल हो जाएगा इंशाल्लाह, ज़रा पकड़ना, दूध डाल के उबाल लो मजा ले चाय का, है ना। बन गई चाय। हेलो गाइस, चाय पी रहे हैं। तो गाइस अभी चाय हम नहीं पी रहे हैं क्योंकि हम खुद ही चाय बने जा रहे हैं, तो दूध डालो और उबाल के पी रहा हूँ। तो मैं इसे अच्छे से रैप कर दूंगी ताकि इसमें कोई भी एयर ना जाए, और इसमें अच्छा सा ना डो तैयार हमारा हो। हेल्प लेनी चाहिए, 150 रुपया देगा इसको जो मदद कर रहा है। इसको एक डोनेट में ज्यादा दूंगी जो मेरी हेल्प कर रहा है। अरे आप हमने कितनी करी है, दो ज्यादा देंगे तुम्हें। दो तो गाइस ये सब इन्हीं लोग के लिए बन रहा है, बच्चे पार्टी के लिए। मैं नहीं खाती, मैं आपको बता दूं सच सच कि मुझे किसी भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ खाने वाले में। तो ये मेरा डो तैयार हो गया है गाइस, और मैं इसे रखने वाली हूँ माइक्रोवेव के अंदर। ऑन नहीं करूँगी मैं, सिर्फ इसलिए माइक्रोवेव के अंदर करने वाली हूँ। क्या दिल ऐसे रो रहा, दिल किधर है? हाँ ये है। तो मैं माइक्रोवेव के अंदर इसलिए इसको और जल्दी हो जाएगा, मुझे जल्द से जल्द इसका फर्मेंट चाहिए। इसका जल्द डबल ही हो जाएगा, बस मैं उस टाइम आऊंगी और आपको डोनट बना के सिखाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गाइस हम लोगों ने रख दिया था माइक्रोवेव में, ये देखिए हमारा डो। तो डो हमारा जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है, तो अब मैं इसके बनाऊंगी डोनट्स। तो गाइस हमारा डो रेडी है, तो अब हम जा रहे हैं डोनट्स बनाने के लिए। इसे तो हम हटा देंगे बिल्कुल, रैप नहीं हमारे से ही है, तो हम इसे रख देंगे, इसे दूसरे काम आ जाएगा। तो हम सी कर रहे हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए तो इसकी ना एयर निकालना बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हम इसकी एयर निकाल लेंगे और साइड में, और इसके अब हम बनाएंगे। तो
तो फ्रेंड्स बस क्या करेंगे, डो को हम चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसके बाद ना बेलना शुरू करेंगे। तो एक एक हमें बेलना है और हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलना है, हमें थोड़ी सी थिक रखना है ताकि ना बहुत अच्छे से डोनट बने। डोनट्स आपने खाए होंगे तो मोटे मोटे से होते हैं, थोड़ा सा हम थिक रखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। और बीच का पोर्शन हमें काट देना है छोटे से किसी भी एक कटर से। मेरे पास केक का नोज़ल था, मैंने उससे काटा है, और बड़ा वाला जो काटा है ना वो एक ग्लास से काटा है। आपके पास कोई कटर हो तो आप उससे भी काट कर सकते हैं। इसके बाद ना बस मैंने ऑयल रखा, ऑयल के बाद इसे फ्राई करना शुरू कर दिया। तो फ्राई पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसके बाद ना लो फ्लेम कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हमें डोनट को तैयार करना है। तो गाइस हमारे डोनट्स बनके तैयार हो गए हैं, और ये हमारे पास चॉकलेट है, तो हमारे पास वाइट चॉकलेट है, इससे हम कलर मिला के इसे कलरफुल बनाएंगे। और ये हमारे पास है चॉकलेट, जो चॉकलेट का कलर होता है वो है ये। तो बस सारी चॉकलेट हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब इसे हम तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स बस हमारे डोनट्स तो तैयार हो ही गए थे, बस इनको क्या करना है, सजाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सजाना। तो बस इनकी सजावट बाकी है, तो बस यही हो रहा है। और ये ना मैं सुमुल दोनों मिलके कर रहे हैं ये काम, वाइट चॉकलेट और जो चॉकलेट का कलर होता है यानी डार्क कंपाउंड चॉकलेट है हमारे पास, ये हमने ली है। तो बस लाइट और डार्क मैंने दोनों मिला के लिए, क्योंकि डार्क ना बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है, और वाइट चॉकलेट ना कोन में भर के ना इससे डिज़ाइन बना ली। तो ये सारा काम ना सुमुल ने ही डिज़ाइन किया, और बिल्कुल इसी तरीके से डोनट तैयार करें। वाकई बहुत ज़्यादा यम्मी थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि बच्चों ने कैसे खाया, कैसे इंजॉय करा, बहुत ज़्यादा मस्ती करी है ये। तो गाइस हमारे डोनट्स बनके रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। आप बताइएगा जरूर ये कैसे बने हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ब्लू भी चार चांद लगा रहे हैं, ये सारे डोनट्स कैसे बने हैं। इससे पहले ही मैंने बनाए थे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा बनाए हैं। और अजान के लिए, हमजा के लिए हम लोगों ने रख दिए हैं, ये भी रख देंगे चॉकलेट वाले, प्लेन भी हम लोगों ने रख दिया, प्लेन वाले बहुत ही गजब के हैं। और अनायजा अब मेरी ना बताइए, अनायजा कैसे लग रहे हैं? अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। जी जी बेटा जी, खाइए। कौन सा खाएंगी आप, किस कलर वाला खाएंगी? बच्ची को ले लूंगी। बताओ कैसा है, कैसा है नाजा? जी ब्लैक वाला खाएंगी? बहुत ही टेस्टी लजीज। और चॉकलेट वाला वाला कौन सा वाला खाएंगी, स्टार वाला या वो वाला? स्टार वाला सुमुल खिला दो। अच्छा सच्ची कितने है किस? कितने खाना है तुम्हें? कितने किस में कितने खाना है? सामा खाओ, बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस फाइनली मैं सामने आ जाते हैं। अच्छा चलिए, तो फाइनली गाइस बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हुए हैं। अरे वही चीज इसमें है, हाँ। तो सुमुल जी बताइए आपको कैसा लगा? एक नंबर, वन नंबर। जो मार्केट से आता है वैसा है या मार्केट से अच्छा है या मार्केट से कम अच्छा है? ये मार्केट से बहुत ज्यादा अच्छा है, यम्मी। इसलिए आप नंबर कितने देंगे? 100 में। 10 में। यस अनायसा आप बताइए, आप बताइए अनायसा को कैसा लग रहा है? नंबर वन लग रहा है। आपने जो मार्केट वाला खाया था वैसा है या उससे अच्छा है या उससे कम अच्छा है? 100। अच्छा शेखू बताओ कैसा बना है? खाया है तो जरा ठीक से बोलते दो। एक नंबर बना। मार्केट में तुमने कभी खाया नहीं? पहली बार खाया, अच्छा लगा? अच्छा तुम? बहुत टेस्टी है और अच्छा बना। अच्छा। हम देना चाहेंगे 100 में। थैंक यू।
आप बताएं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगा, डिलीशियस लगा, इसलिए आप मार्केट में जाके ना खाएं, घर में जाके इतने यम्मी यम्मी डोनट्स बनाएं और खूब अच्छे से खाएं, अपने घर के बच्चों को भी खिलाएं और वो भी देखिए खुशी से खाएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ अनायजा, आप कुछ कहना चाह रही थी? अच्छा, आप ये वाला कोई बात नहीं। अक्सर बच्चे लोग ना अपनी मम्मा की फिंगर कट कर ही लेते हैं। कट कर लेते हैं। दिल लग रहा है, आ गया। शॉप से लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा, इसका जो पैटर्न बहुत ही ज्यादा सब हो जाता है। ओके, तभी तो बोल रहे हैं घर पे ही बनवा के खाएं। ओके, अपनी मम्मा से बोलें कि आप घर पे खाएं, बाहर पैसा वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, यम्मी यम्मी घर पे बना के खाएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अनायजा अल्लाह हाफिज़ बोल दीजिए। अल्लाह हाफिज़।